यहाँ पे लाइव तस्वीर जो है, जो भी मतलब जख्मी हुए हैं उनको जो है एम्बुलेंस में यहाँ पे डाला जा रहा है और एम्बुलेंस के माध्यम से जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है ले जाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो है अभी प्राथमिकी इलाज किया जाएगा, तत्पश्चात अगर वहाँ से रेफर करना होगा तो वहाँ से रेफर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तत्काल फिलहाल जो दिख रहा है वो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है यहाँ की और किस तरह का माहौल बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि शायद से भरपूरा में ये पहली घटना नहीं होगी कि बराबर यहाँ पे रोड एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है और रोड एक्सीडेंट में काफ़ी मतलब स्थिति जो है यहाँ पे गंभीर रहती है। SH-55 पे लगातार जो है मतलब इस तरह की वाकया होते रहता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर शायद से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर एक्सीडेंट होता तो मतलब ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं। तीन तीन बाइक को ठोका गया, शायद से हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट को जो है सो लाया जाता है, लेकिन थाना को फोन की गई है, थाना अभी तक नहीं पहुँच पाया। थाना आइए कुछ ग्रामीणों से जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट मतलब सुने हैं तीन बाइक का हुआ है। तीन बाइक का, एक कार वाला आया है, तीनों बाइक में टक्कर मारा। कार वाला आया और तीनों बाइक में आया गया है। देख सकते हैं आप कहाँ का है? पटना का। कार पटना का? मतलब वो तो कह रहे हैं समस्तीपुर का क्लिनिक है वो आदमी, पटना का। देखिए वो कह रहे हैं समस्तीपुर में क्लिनिक है उनका और वो पटना के हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण का भीड़ देख सकते हैं, भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का जो है एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। BR-33A-W-1758 ये गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी देख सकते हैं नया न्यू गाड़ी है, यहाँ पे आगे से पोर्शन जो है इसका ख़राब हो गया है। देख सकते हैं आप किस तरह का टक्कर हुआ होगा, आप सोच सकते हैं क्योंकि एक साथ जो है इतनी मतलब देख सकते हैं एक गाड़ी ये है, सबसे पहले यही गाड़ी टकराई थी और इसका नंबर जो है BR-33U-4239 है। आप देख सकते हैं इसको जो है एम्बुलेंस में लेके जो है विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है। फिलहाल देखिए हालत गंभीर है, लेकिन अब देख सकते हैं एक साथ दो तीन तीन बाइक का जो है टक्कर हुआ था। एक ब्लेजर गाड़ी है उससे, चार चक्का ब्लेजर गाड़ी से हुआ था, जो कि वो पैसे से डॉक्टर बता रहे हैं जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है विभूतिपुर से मतलब एक स्टाफ आए हैं, शायद से गाड़ी जो है अभी तक नहीं आया है और यहाँ पे शायद से गाड़ी जो है कैप्चर किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है ना ये मौजूद हैं। और ये मतलब कौन सी गाड़ी थी आपकी? ब्रेजर है। ब्रेजर है इनके पास। और ये आ रहे थे कहाँ से? आ रहे थे आप? हम आ रहे हैं अभी ऑपरेशन करके आ रहे थे सहरसा से। ऑपरेशन करके सहरसा से आ रहे थे, मतलब समस्तीपुर में। मतलब कहाँ पे आपका क्लिनिक वगैरह है? समस्तीपुर। समस्तीपुर। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अखिलेश कुमार। मतलब क्या हुआ था डॉक्टर साहब? तो हम आ रहे थे उधर फ्रंट से जो है बाइक आ रही थी। बाइक आ रही थी, तो बाइक जो है थोड़ा सा अनबैलेंस हो, तो हम भी थोड़ा अनबैलेंस हुए उसको बचाने के चक्कर, तब तक वो अगला झटका से लगा और उसके पीछे जो एक बाइक आ रही थी उस स्पीड में, अब वो जो है उसके पीछे पड़ता, तो जैसे हम कटाए इसको तो फ्रंट से आकर लग गया। देखिए यहाँ पे मतलब इन्हीं से एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट जो मतलब हुआ है आप मतलब सुन सकते हैं लाइव, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ है। कह रहे हैं कि बाइक जो है सामने से आ रही थी, अनबैलेंस जो है बाइक वाला पहले हुआ कि आप हुए? पहले बाइक वाला अनबैलेंस हुआ जिसमें आप मतलब एक को टक्कर मारी, तो दो तीन मोटरसाइकिल कैसे आ गया चपेट में? दो तीन गो आया है, यानी कि एक्सीडेंट करने के बाद धक्का मार के आ रहे हैं स्पीड में भागते हुए, तो तीन गो के ठोकाया है मेरा पोर्शन के हिसाब से, जरूर अलग से भी धक्का मार के आ रहे हैं। मतलब हाँ जरूरी अलग से धक्का मार के आ रहे थे, रनिंग में आया तीन गो के ठोका है, एगो के ठोका तो बात मतलब क्या मतलब आप भागने की कोशिश कर रहे हैं? ऑपरेशन करके आ रहे हैं तो स्पीड में आ रहे होंगे जरूर। देख सकते हैं यहाँ पे मतलब तीन गो के ठोका है ना, अनबैलेंस होता था एक गो के होता ना। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं तीन बाइक वाले का ठोका है, तीन आदमी का, तीन बाइक वाले का, तीन बाइक वाले को मतलब
देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि वैसे थाना को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और थाना को इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा लोकल जो पेशेंट वगैरह हैं मतलब डॉक्टर जो हैं उनको जो है बुलाया गया है और यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है। और देख सकते हैं अभी जो घड़ी जो है विभूतिपुर थाना यहाँ पे नहीं पहुँची है, वैसे 102 नंबर पे डायल कर दिया गया है, अभी तक 102 नंबर जो है अभी तक नहीं आई है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ में मैं आपको बता दूँ कि दो तीन जो है एक फैमिली से हैं, फैमिली वाले जो हैं उनको थोड़ा सा चोट लगा है, शायद से अंदरूनी चोट है लेकिन दिख नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूंगा तीन बाइक के तीन जो सवार थे उसमें से देख सकते हैं आप वहाँ पे जो है उनकी गंभीर हालत है। और गंभीर हालत को देखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि 102 नंबर को जल्द से जल्द फोन किया गया था और वो भी अभी जस्ट पहुँचने ही वाला होगा। और देख सकते हैं आप रोड पे जो है क्रामे यहाँ पे भीड़ है, और भीड़ में देख सकते हैं लोगों से भी जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है, और देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पे और एम्बुलेंस देखिए आ रही है। और ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और लगभग शायद से एक एक्सीडेंट मान सकते थे कि हो सकती है, लेकिन लगातार दो तीन मतलब एक्सीडेंट किया गया है और लगातार दो तीन बाइक को ठोकते हुए भागी है। और मैं आपको बता दूं 102 डायल की गई थी और 102 डायल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया 102 नंबर डायल के, और यहाँ पे देख सकते हैं और ये जीवन बिहार सपना अस्पताल आ चुका है और ये आवाज आप सुन सकते हैं। ये भरपूरा की तस्वीर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जबरदस्त एक्सीडेंट कह सकते हैं इसको, और एम्बुलेंस आ चुका है और अभी थाना की गाड़ी भी जो है जस्ट आने ही वाली है और थाना अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और मैं आपको बता दूं पेशे से जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है वो पेशे से डॉक्टर हैं और सहरसा में जो है ऑपरेशन करके आ रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट का क्या स्थिति है, इसी पेशेंट को जो है लगता है यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे गंभीर रूप से अंदरूनी जो है चोटें वगैरह आई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये दो उधर मतलब थे और इधर तीन देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी स्थिति जो है काफ़ी नाजुक है, इसीलिए जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया है और एम्बुलेंस से जो है तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स के साथ जो है यहाँ पे आए हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।